दुश्मन शैतान की मानिंद है। क्या मतलब? इंसान आरिफ तब बनता है जब वो अपनी लग्जिशों पर काबू पाले और शैतान को पहचान ले। शैतान का काम है रास्ते से भटकाना और बंदे का काम है उसको शिकस्त देना। जो इंसान भी शैतान के हरबों को पहचान लेता है वो अल्लाह की मारिफत हासिल कर लेता है। नफ्स से लड़े बगैर इंसान कभी भी सौले नहीं बन सकता। शैतान अपने आप को मखलूक में सबसे ज्यादा जहीन समझता है। वो इंसान पर पूरी ताकत से हमलावर होता है। वो समझता है कि उसने बशर को गुमराह कर दिया, मगर हकीकत में वो उस बशर को रोज बरोज रब के करीब कर रहा होता है। शैतान चाहे इंसान को कितना ही गुमराह कर ले, लेकिन रब के शुक्रगुजार बंदे उसके दाम में नहीं फंसते। और जूं जूं इंसान शैतान को शिकस्त देता है, उसका अल्लाह पर ईमान मजबूत तर होता चला जाता है। हमारा दुश्मन हमें जिस मेराज पे पहुंचने से रोकना चाहता है, वो ये नहीं जानता कि इस तरह वो हमारी मदद कर रहा है। हलीमा बेटी, अल्लाह हमें ईमान सालेह नसीब फरमाए। शैतान और दुश्मन के साथ पूरी कुव्वत से नबर्दाजमा होने की तौफीक अता फरमाए। खुलूस के साथ आमीन आमीन।